जी नमस्ते। नमस्ते, बैठिए जी। धन्यवाद। और सब बताइए, अपना अपना बढ़िया, अपना बताइए। ठीक है, मेरा सब ठीक है। अच्छा, कुछ जॉब ऑफ लीजिएगा? जी नहीं, अभी शर्मा जी के यहाँ से चाय नाश्ता करके आए, तो धन्यवाद। अच्छा जी, तो आपको आने कैसे हुए यहाँ? देखिए, एक हमारे रिश्तेदार हैं जो आपके बारे में बताए थे कि आप अपना लड़की का रिश्ता कर रहे हैं, तो अपना लड़का का रिश्ता लेके आया हूँ। जी, तो वो लड़का हम खोज रहे हैं, लेकिन आपका लड़का भी क्या कर रहा है? देखिए, हमारा लड़का अमेरिका में इंजीनियर है। अच्छा, वो तो अच्छी बात है जी। आपकी लड़की क्या कर रही है? देखिए, मेरी बच्ची अभी बीकॉम कर रही है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। जी, लड़की को बुलाइए। जी बिल्कुल। आदित्य, कविता के लेके आओ। जी बैठिए। जी, हमें आपकी लड़की पसंद है। जी, मुझे भी आपकी लड़का पसंद है। धन्यवाद। ठीक है, तो हम दोनों को पसंद है, लेकिन अब लड़के लड़के आपस दोनों एक दूसरे का जान लेंगे, पहचान लेंगे, क्योंकि उन लोगों का जीवन यापन करना है, जीवन साथी रहना। जी बिल्कुल जी। हेलो, हाय, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कविता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देव कुमार महतो है। और बताओ, तुम आगे चल के क्या करना चाहती हो और तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मैं मैनेजर बनना चाहती हूँ। अच्छा, और आप क्या करते हो? मैं अभी अमेरिका में जॉब करता हूँ। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आप पूछो। अगर हमारी शादी होती है, क्या आप मुझे पढ़ने और जॉब करने के? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब हम जॉब कर ही रहे और मेरे परिवार में कोई समस्या नहीं है, तो तुम क्यों जॉब करना चाहोगी? ठीक है, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? मेरे पसंद होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे परिवार वाले जहाँ बोलेंगे, मैं वहीं शादी करूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे समाज में कोई भी अपनी पसंद या फैमिली के मर्जी के खिलाफ जाके शादी करते हैं, उसे समाज में अलग ही दर्जा दिया जाते हैं और लोग उन्हें सम्मान नहीं देते हैं। क्या तुम किसी को पसंद करती हो? जी नहीं। यदि करती हो तो बता दो, मैं अपने पापा से बात करके रिश्ता कैंसिल कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर चलो नीचे पापा बात कीजिए हमसे। बेटा, तुम्हें लड़की पसंद आया? हाँ पापा, लड़की पसंद है। जी बेटा, तो लड़का पसंद आया? जी पापा, मुझे पसंद है। देखिए, हमारा लड़का का आपका लड़की पसंद है, तो अब कुछ दहेज की बात कर लिया जाए। जी जी बिल्कुल। दहेज में कितना लीजिएगा? देखिए, आप तो जानते ही हैं कि एक इंजीनियर की पढ़ाई करने में कितना खर्च होता है, तो देख लीजिए। अच्छा, देखिए, मुझे भी अपनी बेटी पढ़ाने में बहुत पैसा खर्च हुआ। अगर मेरी बेटी फ्यूचर में नौकरी कर लिया तो नौकरी मतलब कर लिया तो वेतन आपको देंगे ना? देखिए, हमारे घर में लड़कियां जॉब नहीं करती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ऐसा करता आ रहा है। अच्छा, तो इसलिए आपकी लड़की का आवश्यकता नहीं है जॉब करने का। देखिए, मुझे आपको 20 लाख रुपया भी देना होगा, एक फॉर्च्यूनर कार भी देना होगा। क्या लीजिए? आप जानते हैं कि शादी विवाह कितना खर्च होता है, तो उतना मैं पैसे कहाँ से दूंगा? देखिए, हमें दहेज में 20 लाख रुपये, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और आप अपने बेटी का जो भी दीजिएगा सामग्री वो दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, एक मैं बात बोलूँ आपसे? जी बोलिए। देखिए, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा और एक फॉर्च्यूनर कार दूंगा, इतना मुझसे बन सकता है, क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ और अगर मैं अपना खेत
धन संपत्ति बेचकर अगर पैसा दूंगा तो उतना मैं नहीं पूरा कर सकता हूँ। देखिए ऐसा तो नहीं है, आप हमें 20 लाख रुपए देंगे उससे हो जाएगा, हमें और लगा के हमारे रिश्तेदार आते हैं अमेरिका, यूके, लंदन, यहाँ से रिश्तेदार आएंगे तो सोच सकते हैं आपके कितना खर्च होगा। अच्छा तो देख लीजिए आप अपना। ठीक है नमस्ते। चलो बेटा शादी नहीं करनी है यहाँ। क्या हुआ पिताजी? बेटा देखो ना लड़की तक में आया था तो मेरी बेटी को आज मतलब सही से नहीं देख पाया, बोलता कि आज पसंद नहीं है आपकी लड़की। ऐसा क्यों पिताजी? क्योंकि बेटा उन लोग 20 लाख रुपया और एक परसेंट कार्ड मांग रहा था, मैं आपको उतना कहाँ से देता। ठीक है पिताजी छोड़ दीजिए, हम अपना बहन का रिश्ता कहीं और कर लेंगे। ठीक है बेटा लेकिन इस प्रकार अगर होगा जिस प्रकार मुझसे हुआ, अगर ये भारत देश में ऐसा होगा तो सोचिए जिस प्रकार मुझे आज एक बेटी का बाप बनकर मुझे आज ये यानी कि झुकना पड़ा। हमारा भारत में हर एक लड़की को बाप को ऐसे झुकना पड़ता है, तो मुझे लगता है या भगवान ऐसा बाप किसी का बेटी को नहीं देना चाहिए, इससे बढ़िया होता कि बेटी जन्म नहीं लेता। तो आप लोगों ने देखा कि एक दहेज के लिए एक बाप को कितना नीचे गिरना पड़ता है, इसी प्रकार हमारे देश में सदियों से चलता आ रहा है। इससे आप लोग कुछ उत्तेजना मिली होगी तो अपने समाज में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में कुछ ना कुछ तो जागरूकता कर सकते हैं। धन्यवाद।